प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए देखते हैं शहरियत का सबक नंबर 4, बुनियादी हुकूक, हिस्सा नंबर 1। हमने देखा कि औरतों ने, कॉलेज के बच्चों ने, आदिवासियों ने अपने मुतालबात किए, अपने हक को मांगा। तो बुनियादी हुकूक सबक हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम यहाँ पैदा हुए, तो यहाँ पैदा होने वाले हर बच्चे को जिंदा रहने का हक है। जिंदा रहने का हक से क्या मुराद है? कि उसके ऊपर जुल्म इस्तेहसाल ना हो। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि किसी पर जुल्म करना कितना गलत है। हम आम तौर पर हमारे घरों में जानवरों को पालते हैं, जैसे बकरी, बिल्ली, कुत्ता, गाय वगैरह, और हम उन पर जुल्म होता भी देखते हैं। गलियों में, सड़कों पर जब किसी कुत्ते को पत्थर से मारा जाता है, पोला ये त्योहार जब आता है तो कई जगहों पर पोला फोड़ की रेस होती है, बैलों को दौड़ाया जाता है और एक आर से उनको चुभाया जाता है ताकि वो तेज दौड़े। उस वक्त हमें तकलीफ होती है कि इन जानवरों पर जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। वो बेजुबान है, अगर उन्हें जुबान होती तो वो भी अपना हक मांगते। वो क्या कहते हम सब जानते हैं। हम इंसान हैं, हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमें हमारे दस्तूर ने बहुत सारे हुकूक दिए हैं। हम अपने हुकूक को मांगते हैं। इन हुकूक को अगर तोड़ा जाए तो हमें क्या करना चाहिए? आप सोचिए कि अगर हमारा हक मारा जाए तो क्या करेंगे हम? प्यारे बच्चों, हम अदालत से रुजू करेंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, ना के तोड़ फोड़ करेंगे, बल्कि खामोशी के साथ एहतजाज करेंगे और अपना हक मांगेंगे, क्योंकि दस्तूर ने हमें ये हुकूक दिए हैं। इन हुकूक को कानून का दर्जा हासिल है।